जैसे एक बात बता दूं कि आईएएस 8 बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल स्टैंडर्ड नहीं है F1 के अंदर ना, राइट? अच्छा, हार्डली एक सवाल यू कैन एक्सपेक्ट. और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट डील्स विद थ्री थिंग्स. वन इज अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, अदर इज अकाउंटिंग एस्टिमेट, and third one is prior period errors. जी. ये तीन चीजों को डील करता है. अच्छा जी, इसमें अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये बात करें कि वॉट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ये होते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जहां पर हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल हम जब एक नॉन करंट एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात करते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे क्योंकि हमें हमें एक्चुअल लाइफ का तो पता नहीं होता, ठीक है. तो अब उसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ बताओ क्या है, पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर उसकी कॉस्ट क्या होगी, और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो वो रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी. फिर हम उसका मेथड की बात करते हैं, हम किस मेथड से डेप्रिशिएट करेंगे. अब ये सब इंफॉर्मेशन क्योंकि अवेलेबल नहीं है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए उसको एस्टिमेट कर लेते हैं जब तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होती, सही है? तो एस्टिमेशन का मतलब ये होता है, एस्टिमेट का मतलब होता है टू अराइव एट अ वैल्यू. एस्टिमेट क्यों बनाते हैं? टू अराइव एट अ वैल्यू, इसका मतलब कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम, किसी से वे नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अमाउंट होगा जो हम रिकॉर्ड करेंगे. हम एस्टिमेट को इससे जज कर लेते हैं, ये एस्टिमेट है. फॉर एग्जाम्पल टिपिकल एस्टिमेट की अगर हम एग्जाम्पल लें तो चेंज इन यूजफुल लाइफ, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है. चेंज इन स्क्रैप वैल्यू, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है. या फिर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है. अब बहुत सारी स्टैंडर्ड F1 में है ही नहीं जिसके अंदर ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इस्तेमाल होता है, सही है? जैसे एनआरवी के अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालते हैं, वो एस्टिमेट होता है. इसी तरह IAS 36 में जब हम इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन करते वक्त हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं, वो एस्टिमेट बेस्ड होता है. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेते हैं, वो एस्टिमेट पे बेस कर रहा होता है. तो ये दीज आर ऑल एस्टिमेट्स, सही है जी? अब फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 900,000 और उसकी यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट की और हमें लगता है कि इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 8 साल होगी, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू हमने एस्टिमेट की, हमें लगता है उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो निल है. तो हम पर एनम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से कितना निकालेंगे, हम कहेंगे 900,000 ओवर 8, हाउ मच? 112,500, ठीक है, ये आ गया डेप्रिसिएशन. यस, एस्टिमेटेड होते हैं. अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि आफ्टर 3 इयर्स हमने अपना एस्टिमेट को रिवाइज किया एंड हम ये कह रहे हैं कि जी ओरिजिनल लाइफ जो हमने एंटिसिपेट की थी शुड बी 10 इयर्स. What is the current year deficit?
तीन साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए कि IAS 8 में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का रूल क्या है। तो रूल क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज टू बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर, पास्ट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें अपना जो डेप्रिसिएशन है जब वो रिवाइज होगा वो लाइफ पे रिवाइज होगा जी। तो हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि तीन साल के एंड पे बुक वैल्यू क्या थी। ये तीन साल के एंड पर है जी। 562 ठीक है। अब एस्टीमेट में चेंज क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि जो ओरिजिनल लाइफ हमने 8 साल एज्यूम की थी वो 8 साल नहीं होनी चाहिए थी, वो 10 साल होनी चाहिए थी। इसका मतलब है 3 साल गुजर चुके हैं। तो अगर हम ओरिजिनल के हिसाब से चलें तो 3 साल गुजरने के बाद हमारी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी बची है। अब हम जो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, न्यू लाइफ के ऊपर। तो न्यू लाइफ के ऊपर हम अपनी जो रिमेनिंग बुक वैल्यू होगी उसको 7 ईयर्स पे स्प्रेड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, 80,357 ठीक है। ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्लियर जी। पॉलिसी ये होगी, कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। पॉलिसी आपको तरीका बताता है अकाउंटिंग का, तरीका ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शंस, लेकिन पॉलिसी आपको ये नहीं बताती कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू नंबर, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक रूल्स conventions, policies, the way how to record the transaction. So for example, last in first out, first in first out, average. अब ये जो है ना choice, this is an accounting policy. या ये accounting policy है कि आप पहले expense को COGS में charge कर रहे थे, अब आपने कहा कि हम उस एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे चार्ज करेंगे, प्रेजेंटेशन को चेंज कर देना। ये आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ये आ गया प्रेजेंटेशन का मेथड चेंज कर देना। ये दोनों पॉलिसीज के अंदर कवर हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसके रूल की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर पहला सवाल क्या होता है, इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी परमिटेड अंडर IAS 8। इसका आइडिया है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी परमिटेड होती है या नहीं होती। क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी परमिटेड होती है, अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी, जो कि IASB की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी अननेसेसरी चेंज करने की परमिशन नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन, या वो चेंज जो है वो उसकी कोई लीगल इजाजत है, या वो चेंज किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एडवाइस किया है तो हम चेंज कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली IS2 में इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते थे, सही है। अब बाद में क्या हुआ कि IAS ने खुद कहा कि जी लास्ट इन फर्स्ट आउट हम खत्म कर रहे हैं। अब जो कंपनीज लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रही होंगी वो क्या करेंगी, वो किस पर आएंगी, वो जम करके आएंगी या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आएंगी या एवरेज पे आएंगी। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज परमिटेड क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड ने बाउंड किया है कि नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज बीन चेंज्ड। या इसी तरह से फॉर एग्जांपल पहले हम रीवैल्यूएशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, कि पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते थे, IAS ने कहा नाउ आप इसे OCI में चार्ज करें, तो ये भी आपकी पॉलिसी हो गई। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई पॉलिसी बताएगा और उसको चेंज करेगा तो मेथड ऑफ चेंज भी कौन बताएगा, IAS गाइड करेगा मेथड ऑफ चेंज, मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड अगेंस्ट दिस फिर क्या होगा, देन IS 8 इज टू बी फॉलोड। और IS 8 क्या कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, रूल क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एज्यूम दैट के पॉलिसी डे वन से नई वाली पॉलिसी अप्लाई होगी, विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द बिगनिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने पहली मरतबा IS2 अप्लाई किया था लास्ट इन फर्स्ट आउट 2001 के अंदर, ठीक है, एंड नाउ इट्स 2019। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आना चाह रही है, तो ये जो इम्पैक्ट है इन्वेंट्री का लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये कहाँ आया होगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, और क्लोजिंग स्टॉक से कहाँ गया होगा, और वहां से कहाँ गया होगा, ठीक है। अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे होती है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का ये मतलब तो नहीं है कि हम 2001 की बैलेंस शीट चेक करेंगे और सही कर देंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि एक तो होता है देखें आपका पुराना साल, ठीक है, 19 का पिछला साल कौन सा है, ये इसकी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास अवेलेबल होती है क्योंकि हम 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं हमेशा, ठीक है। इससे पहले का जो पीरियड होगा ना उसका हम क्यूमुलेटिव चेंज निकालेंगे न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी का, और ये देखेंगे उससे हमारी रिटेन अर्निंग पे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ाना है या प्रॉफिट गिराना है, ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इसको एडजस्ट कर देंगे कहां पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, किसकी रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस में, oh. 2018 के। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन ही 2019 का है तो फिर हम ये एडजस्टमेंट किसमें करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ 2019।
इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सही है। अच्छा, एज फार एज दी प्रायर पीरियड एरर्स आर कंसर्न। अच्छा, एरर एक वो होते हैं जो 31 दिसंबर से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑथोराइजेशन डेट होती है उसके दरमियान अगर कोई एरर आइडेंटिफाई हो जाए उसका क्या करेंगे? तो उसको हम अंडर IS 10 के अंदर एडजस्टिंग इवेंट कंसिडर करेंगे और चेंज कर देंगे। सो IS 8 टेक्निकली इस टाइप के एरर को डील नहीं करता जो करंट ईयर के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, IS 8 डील करता है विच टाइप ऑफ एरर? प्रायर पीरियड एरर्स, जो कि क्या हो सकते हैं? क्या चीज? अगर जो है वो ईयर एंड के बाद एरर हो रहा है तो फिर हम एडजस्टिंग इवेंट में करेंगे। हाँ, अगर इसी इसी साल का एरर हो और इसी साल ऑथोराइजेशन से पहले पता लग जाए तो फिर IS 8 अप्लाई नहीं होगा। अब ये जो एरर हो सकते हैं ये वन ऑफ हो सकते हैं कि इसने हमारे किसी एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट किया, या फिर ये एरर ऐसा हो सकता है कि उसने हमारे हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट किया। वॉट एवर इज द केस, हम क्या करेंगे? इस एरर का क्यूमुलेटिव अफेक्ट निकालेंगे और उसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर एडजस्ट कर देंगे। मींस सिमिलर ट्रीटमेंट IS 8 की जो अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट है और एरर का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। एंड दैट ट्रीटमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सही है, अब सही IS 8 क्लियर हुआ? जी। अच्छा, अब IFRS 5 में क्या इशू है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब इसको ट्रीट कैसे करेंगे जब नॉन करंट एसेट अकाउंट पर से? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखिए IFRS 5 में दो इश्यूज हैं। एक तो है आपका एसेट हेल्ड फॉर सेल, सिंगल एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, ठीक है, और दूसरा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अच्छा, हेल्ड फॉर सेल की अगर हम बात करें तो पहले तो इसका एक क्राइटेरिया आपको क्लियर होना चाहिए कि वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो क्राइटेरिया मीट होता है तो हम क्या करते हैं, फिर उस एसेट को नॉन करंट एसेट से उठाकर बैलेंस शीट में कहां ले जाते हैं? करंट एसेट्स में दिखा देते हैं एज हेल्ड फॉर सेल। जैसे एक बिल्डिंग है हमारे पास, हाँ बिल्डिंग है हमारे पास और उस बिल्डिंग को हमने क्लासिफाई कर दिया कि हम इसे बेच देंगे। अगर क्राइटेरिया मीट हो जाता है कि वो विद इन वन ईयर बिक जाएगी, क्राइटेरिया क्या होता है कि वो विद इन वन ईयर में बिक जानी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये, सेलिंग प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, एक्टिव मार्केटिंग होनी चाहिए बेचने के लिए, मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए,
हाईली प्रोबेबल सेल, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फिर हम इसको जो नॉन करंट एसेट होगा, जो डेप्रिशिएट भी हो रहा होगा, उसको करंट एसेट कैटेगरी के अंदर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? उसका कैरिंग अमाउंट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल, कैरिंग अमाउंट 800 था और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 580 थी, तो हम किस पे रिपोर्ट करेंगे? और इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहलाएगा इंपेयरमेंट लॉस। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? इंपेयरमेंट लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट लॉस है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो एसेट है करंट एसेट में वो किस वैल्यू पर आ जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, सब्सिक्वेंटली अगर फेयर वैल्यू बढ़ जाती है फिर क्या करेंगे? तो इस सब्सिक्वेंट राइज इन को हम कहेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। और रिवर्सल को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है? जितना लॉस हुआ होगा। और इसको उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम शो कर देंगे। सही है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ आफ्टर इट्स बीइंग क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। जब एक एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाता है तो उसका डेप्रिसिएशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इवन अगर एंटिटी उसको इस्तेमाल कर रही है तब भी खत्म हो जाता है। सही है। ये तो बात हो गई हेल्ड फॉर सेल का एक रिव्यू। अब आ जाते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स है ना, जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए तो फिर मैं P1 स्टार्ट कर दूं अगर इस टाइम में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं स्टार्ट। हाँ, तो फिर मैं चाह रही हूँ अगस्त की डेट में। हाँ, अगर अगस्त की केस स्टडी प्लान करनी है तो फिर जल्दी जल्दी पेपर देने पड़ेंगे। जी, और ईवन या तो फिर मैं खुद से कर लेती हूँ या ईवन आप पढ़ाते हैं? E1 में I would suggest कि खुद कर लो, self study से भी हो जाता है। चल ठीक है, मैं खुद करूँगी। इतना बड़ा issue नहीं है, student कर लेते हैं खुद से। फिर मैं वो दोनों paper साथ ही दे दूँगी, E1 और P1। बिल्कुल, किए जा सकते हैं।
अच्छा वो कर लिया पियर्सन वाला? पियर्सन वाला नहीं है अभी करती, ये असल में नेट बहुत मसला कर रहा है और बार-बार कह रहे हैं कि नेट क्योंकि वो कनेक्टेड होता है टाइमिंग। हां वो लाइव लाइव चल रहा होता है ना। जी सही है। अच्छा जी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात करते हैं, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, अपना कोई डिवीजन, कोई लाइन ऑफ बिजनेस, कोई लाइन ऑफ बिजनेस, कोई एरिया ऑफ ऑपरेशन प्लान कर लेते हैं कि हम इसको शट डाउन कर देते हैं। याद रहे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन किसी एसेट को सेल करने का नाम नहीं है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, एक पूरा कंपोनेंट जिसके सेपरेट रिजल्ट्स हो हमारे पास, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके रिजल्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हो, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूड एसेट ही होता है, ये यूजुअली एक पूरा सेगमेंट होता है, पूरी ब्रांच होती है, पूरा डिवीजन होता है, तो इसके अंदर मल्टीपल नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी सब कुछ होती है। तो इसके अंदर जब हम इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को पहले हम चेक करेंगे कि ये हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं, या तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में वो ऑपरेशन या तो सेल हो चुका हो, डिसकंटिन्यूड हो चुका हो, या क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, दोनों सिचुएशन में हम उसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रिपोर्ट करेंगे। अच्छा इसमें मसला वो नहीं है अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह, इसमें है प्रेजेंटेशन कैसे होगी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की। तो जब भी एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा तो हम अपने ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को टू पार्ट्स में तोड़ देंगे, एक होगा कंटिन्यूड ऑपरेशन जिसके अंदर हम अपने तमाम ऑपरेशंस को दिखाएंगे, और दूसरा होगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसके रिजल्ट्स को हम अलग तोड़ेंगे, सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे। और इसकी प्रेजेंटेशन मेनली जो है ना वो हम इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है, कि इनकम स्टेटमेंट में ये कोई फैक्ट्री हो, यस फैक्ट्री भी हो सकती, आउट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज एक फैक्ट्री भी हो सकती। तो अब हम इसको दिखाएंगे कैसे, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम ये करेंगे कि हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। दो तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है, एक तो ये कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया और उस इनकम स्टेटमेंट में हम सिर्फ कंटिन्यूड ऑपरेशन को शो करेंगे, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा इसके अंदर जो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की चीजें होंगी उसको हटा देंगे, सिर्फ किसकी लेंगे, कंटिन्यूड ऑपरेशन की, और उसमें से टैक्स डिडक्ट किया और हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। अब लाजमी बात है कि जो यूजर है उसको हमें डिसकंटिन्यूड के रिजल्ट्स भी तो बताने हैं ना, वो हम कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लॉस आ रहा है, उसके लॉस की कैलकुलेशन की और वो उठाकर हमने एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मर्ज कर दिया और ये हमारा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये जो लॉस है ये इसकी भी पूरी अलग से स्टेटमेंट बनी है। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मेन प्रोफॉर्मा में इसको एज अ लाइन आइटम दिखाया जाए,
और पूरी कैलकुलेशन शो ना की जाए, ठीक है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें नोट्स में इसकी वर्किंग दिखानी होगी। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कंप्लीट वर्किंग हम कहाँ दिखाएंगे? नोट्स टू द अकाउंट में दिखाएंगे, फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे नहीं दिखाएंगे। ये ऑप्शन है। एक जैसे रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, COGS फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एक्सपेंसेस। अच्छा, जब इसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे तो उसमें अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह आता है वो भी इसी के अंदर जाएगा, डिसकंटिन्यूड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लॉस बिफोर टैक्स, तो उसमें टैक्स रिलीफ मिलेगा, अब हमें टैक्स रिलीफ ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल लॉस आ गया। ये वर्किंग में दिखाएंगे जी। सही है जी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम अपना इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनाएं, दो हिस्सों में, और फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कंटिन्यूड का रेवेन्यू भी दिखाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड, ग्रॉस प्रॉफिट कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड, एक्सपेंसेस और दिस इज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द टैक्स ट्रीटमेंट। And this is finally discontinued operation पे mainly क्या है, presentation का तरीका है। सही है। One minute. अब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ट्रीटमेंट क्लियर हुआ जी सर। व्हाट अदर यू वांट मी टू डिस्कस इसके अलावा? सर मेरा यही वाला सेक्शन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाला, बाकी तो टैक्सेशन सही है। उसमें बस थ्योरी में थोड़ा सा इशू हो रहा था, अदरवाइज तो उसके कैलकुलेशन में तो मैं स्कोर कर रही थी। और एथिक्स वाला भी सही है, और ये वाला जो है वर्किंग नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इसमें बस यही, इसमें क्योंकि सारे मिक्स क्वेश्चंस थे तो कंसोलिडेशन भी सही जा रहा है। उस कंसोलिडेशन में इक्का दुक्का जगह थ्योरी में मिस्टेक कर दी थी, वरना कंसोलिडेशन भी सही है और डेप्रिसिएशन भी सही है। इसके जो छोटे बड़े टॉपिक्स थे ये रह गए। वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़ा वीक है। हाँ तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, निकल जाएगा। बाकी ये कि मैं एक मॉक शेयर करूंगा बिल्कुल एंड में ना, पेपर से एक दिन पहले,
वो बिल्कुल काफी जो ना एग्जाम टाइप सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि रियल एग्जाम हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा ये जो वैल्यूज का होता है चार्ट, ये गिवन होता है फैक्टरिंग करते हो? कौन सा चार्ट? प्रेजेंट वैल्यूज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए जो डिस्काउंट टेबल्स है वो प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल का जो टॉपिक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें दो तीन कैलकुलेशंस हैं। वो कैलकुलेशन लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उन कैलकुलेशंस की, तो गिव मी वन मिनट बताता हूँ क्या कैलकुलेशंस आती हैं। एक कैलकुलेशन आती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जब हम बात करते हैं जी, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कैलकुलेशन आती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो नॉर्मली होते हैं, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कैलकुलेशन करते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वो ये पूछते हैं कि फेस वैल्यू पता होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, और वो ये पूछते हैं कि ये बताएं कि इसकी इशू प्राइस क्या होगी। तो अब इशू प्राइस जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है, इस फॉर्मूले से इशू प्राइस कैलकुलेट की जाती है। तो हम इजीली जो है ये फॉर्मूला लगा के ये बता सकते हैं कि एक बॉन्ड, अगर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या ट्रेजरी बिल है, उसकी दोनों के इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें हम इजीली ये बता सकते हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब देखें ये है फॉर एग्जांपल, इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको अगर हम एक्सप्लोर करें तो डी जो है वो डिस्काउंट को रेफर कर रहा है जी, ठीक है। ये डिस्काउंट वो है जो अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है। और आर जो है, आर रेफर कर रहा है रेट ऑफ डिस्काउंट को, कि डिस्काउंट रेट ट्रेजरी बिल्स पे क्या दिया हुआ ये बताया हुआ होगा, ठीक है। और एफ क्या है? एफ है फेस वैल्यू। अब हमें ये बताया हुआ होगा कि जो बॉन्ड है उसकी टाइम मैच्योरिटी कितनी है, या उस बॉन्ड का नंबर ऑफ डेज ये बताए हुए होंगे, और y रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे पास ईयरली फिगर है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। अब उसके हिसाब से सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, और उसके बाद ये फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस कितनी है, इशू प्राइस कितनी है। तो अब इस एग्जांपल को अगर हम बेस बनाएं तो हमारे पास d कैलकुलेट करने के लिए r का रेट कितना है, 5%, फेस वैल्यू है 1000 का 5%, ठीक है। टाइम कितना है, 91 आउट ऑफ टोटल डेज कितने हैं, 360। तो इसमें डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, 12.46। कितना दोबारा बोले, 12.46। इसका मतलब है ये कंपनी ने ये ट्रेजरी बिल 12.46 के डिस्काउंट पे इशू किया है। तो अगर हम इसकी इशू प्राइस निकालने जाएंगे तो हम कहेंगे फेस वैल्यू पे कितना डिस्काउंट हुआ, तो फेस वैल्यू है 1000 की और डिस्काउंट हुआ 12.46, तो इशू प्राइस क्या होगी, नाइन एटी सेवन पॉइंट फाइव। इसके अंदर तो हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेबल की वैल्यू हमें काम पड़ेगी जब हमें किसी बॉन्ड की रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड का या किसी भी बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी पड़ेगी,
तो ये जो मैच्योरिटी निकालने के लिए जो डिस्काउंट टेबल की जरूरत पड़ेगी वो एग्जाम के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, एक जो है मुझे क्वेश्चन पूछनी थी, आपने एक बताया था कि आर जो 1+r होता है उसमें r होता है d/100-d, तो जो टेबल है उसमें तो इंटरेस्ट रेट जो है वो r से ही दिया हुआ है, तो वो मतलब टोटल इन्होंने वैल्यू दी हुई है या फिर वो d की वैल्यू है 11%, 2%, 3%, 4%? नहीं, हम जो वो निकालते हैं ना कि R वाला जो होता है, हम जो 1+r से जो निकालते हैं n-1, इसकी बात कर रहे हैं जी। इसमें ये जो R है जी, ये R जो है वो तो ये R तो वो होता है ना d/100-d जी, ये तो वो होता है। मैं यही तो पूछ रही हूँ जो टेबल में 1% 2%, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो टेबल क्वेश्चन, वो टेबल यहाँ लग जाएगा। ये जो है ना यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं, द यील्ड ऑन अ बॉन्ड इज यूजुअली मेजर्ड एज अ रिडम्पशन यील्ड एंड द रिडम्पशन यील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिस्काउंटेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आर इक्वल टू द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये करते हैं कि IRR अप्रोच से रिडम्पशन यील्ड निकालने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर हमें डिस्काउंटिंग की और कम उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट कितना है, तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, ठीक है, और ये रिडीम होगा कितने साल में, 8 साल में, और इसकी करंट प्राइस चल रही है 82, इसका टोटल रिटर्न कितना होगा। तो हमें ये पता है कि हमें तीन चीजें पता है कि इसकी आज मार्केट प्राइस चल रही है एयर जीरो के ऊपर 82 और 1 to 8 years में इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 7% और 8वें साल ये रिडीम हो जाएगा 100 के ऊपर। हमने ये तीन कैश फ्लोज निकाले हमेशा। अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो इसमें एक एन्यूटी टेबल प्रोवाइड की जाएगी, वो इसके लिए होगी, और एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल होगी जो इसके लिए होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आइडियली एक टेबल बना लिया जाए, एयर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू दोबारा डिस्काउंट फैक्टर और दोबारा प्रेजेंट वैल्यू, कम से कम ये कैलकुलेशन बस एक दफा, एक दो सवाल, दो दफा सवाल सॉल्व कर लें, इसमें इनफ है ये। मेजॉरिटी थ्योरी है इसके अंदर, कैलकुलेशन ये दो पार्ट मैंने बताए, यही है कैलकुलेशन। तो हम ईयर जीरो के ऊपर रख देंगे हमारी जो करंट मार्केट प्राइस है एंड दैट इज 82 एज एन आउटफ्लो, और जितना टाइम फ्रेम होगा उसमें इंटरेस्ट दिखा देंगे और 8वें साल में 100 दिखा देंगे। अब टेबल इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट रख के एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर रखेंगे जिस पर NPV पॉजिटिव आए और एक ऐसा डिस्काउंट रेट रखेंगे जिस पर NPV नेगेटिव आए।